देश और राज्य भर में जेल भरो आंदोलन के समर्थन में गोमती जिले के अंतर्गत उदयपुर सब डिवीजन में भी वामपंथियों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। किसानों से जुड़े 6 मांगों के समर्थन में यह प्रदर्शन किया गया। इन मांगों में ऋण संबंधी छूट और किसानों की पेंशन योजना आदि शामिल है। গণতান্ত্রিক অধিকার যেটা আছে, আমরা মনে করি গণতান্ত্রিক অধিকারটা মৌলিক অধিকার হিসেবে সুরক্ষিত, সারা দেশের মানুষের সে গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য আমরা এই দাবিগুলির ভিত্তিতে আজকে দেশব্যাপী 400 জেলাতে সারা দেশে গণ জেল ভরো আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। আমরা উদয়পুর প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে হলো আমরা এই ধরনের আন্দোলন সংগঠিত করছি। पानीसागर शांतिपरा इलाके से किशोरनाथ नामक एक ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पानीसागर एसडीपीओ राजीव सूत्रधर और उनकी टीम ने किशोर के घर पर छापेमारी की और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस के आने की भनक मिलते ही हालांकि नाथ ने ब्राउन शुगर और युवा टैबलेट को जला दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 500 रुपयों की भारतीय मुद्रा में 2,65,000 रुपए जब्त किए। साथ ही नेपाल और बांग्लादेश की मुद्राएं भी जब्त की। किशोर के घर से 5 मोबाइल, एक वेट मशीन और एक सीलिंग मशीन बरामद हुआ है। किशोरनाथ जो है वो हमारा पानीसागर पीएस का 30 नंबर एनडीपीएस केस है जो पिछले महीने हुआ था। तो ही वाज वांटेड इन दैट केस। उस केस में जो जिसको हमने अरेस्ट किया था तो उसके इंटरोगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो किशोरनाथ ही है जो इस एंटायर जो पानीसागर है और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोकल यूथ को वो ड्रग्स सप्लाई करता है, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। 1 से 19 साल तक के बच्चों में बढ़ते कृमि संक्रमण पर नियंत्रण के लिए आज राज्य स्तर पर कृमि मुक्त दिवस मनाया गया। धर्मनगर के विवेकानंद सरदो शतवार्षिकी भवन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुदीप राय बर्मन ने कृमि मुक्त दिवस का उद्घाटन किया। इस मौके पर समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग के मंत्री सांत्वना चकमा, पूर्व प्रवक्ता रमेंद्र चंद्रनाथ और अन्य लोग उपस्थित थे। कृमि मुक्त दिवस के मौके पर कुल 11,15,000 बच्चों को कृमि की दवाई दी गई। जिन बच्चों को कृमि की दवाई नहीं मिली उन्हें इसी महीने की 17 और 18 तारीख को यह दवाई दी जाएगी। It's considered to be the safest drug, এবং তার কোনো সাইড এফেক্ট নেই। তাহলে আমি ছাত্রছাত্রী অভিভাবক বন্ধুদের কাছে বিনম্র চিত্তে আবেদন রাখছি যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এই জাতীয় স্তরে এই কৃমিনাশক দিবস উপলক্ষে আজকে যে উদ্বোধন অনুষ্ঠান, এই যে একটা ভুল ধারণা আপনাদের মনে রয়েছে যে হয়তো বা বৃষ্টি না হলে কৃমিনাশক খাওয়ালে হয়তো বা শরীর খারাপ করতে পারে, এই যে একটা ধারণা পোষণ করছেন এটা সম্পূর্ণ ভুল, এটা মন থেকে বের করতে হবে আপনাদের। আগামী রাজ্য বিধানসভা চুনাও কি তৈয়ারিও কে মদ্দেনজর এআইসিসি নে ভূপেন বোরা আর লুইজিনহো ফলেরো কো মিজোরাম কে কংগ্রেস নেতাও কে সাথ রণনীতি বানানে কে লিয়ে ভেজা হ্যায়। 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे लालथन हावला के नेतृत्व में कांग्रेस को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। बीजेपी की आलोचना करते हुए गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मिजोरम की संचालन समिति के अध्यक्ष लुइजिनहो फलेरो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाएं देश के लिए अहितकर साबित हुई है और देश आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने इस दौरान मिजोरम में कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां भी गिनाई।